बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज हेडलाइन। बक्सर में आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस कप्तान ने उपेंद्र पुलिस लाइन के फलदार पौधों को लगाकर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शपथ लेते हुए सभी ने शपथ लिया कि मैं जहां भी पदस्थापित रहूंगा समाज को नशा मुक्त बनाने तथा लोगों को इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराने में सक्रिय योगदान करूंगा। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT की परीक्षा में अपने पहले प्रयास में जिले की बेटी ने अपना स्थान बना लिया, बक्सर का भी नाम रोशन किया। शहर के मुनीब चौक पर गोकुल स्वीट्स मिठाई का दुकान है। पिता प्रमोद गुप्ता, माता रूबी गुप्ता को नाज है अपनी बेटी पर। अनुषा गुप्ता ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1507वां लाया है। बक्सर केंद्रीय कारा बक्सर से IGMS शेखपुरा पटना में इलाज कराने के दौरान चंद्रा गेस्ट हाउस राजा बाजार से विचाराधीन कैदी कुबेर मिश्रा के फरार होने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मी हुए बर्खास्त, बक्सर पुलिस कप्तान ने दी जानकारी। बक्सर मुंडन संस्कार में शामिल होने सहार से बक्सर जा रहे नए दंपति हुए दुर्घटना का शिकार, पत्नी की हुई मौत। अनुमंडल अस्पताल डुमराव में पति की प्राथमिक इलाज के बाद कर दिया गया रेफर। घटना डुमराव अनुमंडल के प्रताप सागर की है। बक्सर आपसी कलह के कारण युवक ने लगाई फांसी, मामला डुमराव थाना क्षेत्र के डुमराव बंधन पटवा मोहल्ले की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की कर रही है पड़ताल। बक्सर धारा प्रवाह करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत, घटना नावानगर थाना क्षेत्र के चनवत गांव का। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर मामले की कर रही है पड़ताल। मृतक का नाम दीपक यादव। कैमूर में ग्रामीणों ने गांव से लेकर सड़क तक हंगामे के बाद सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को दिलाया न्याय, दोनों आरोपी गिरफ्तार। चांद थाने के शिवरामपुर का मामला था कि 22 जून को महिला अकेली घर में थी। पति और परिवार के लोग मजदूरी करने गए थे, घर में अकेला देख किया दुष्कर्म। कैमूर पुलिस लाइन ने झारखंड के धनबाद और जामताड़ा से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी अभी भी हैं फरार। साइबर अपराधियों ने मोहनिया के सिंचाई विभाग के क्लर्क के खाते से 11 लाख रुपए का किया था निकासी। अपराधियों के पास से 6 मोबाइल, 4 बाइक, 1 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप बरामद किया। पैसे बरामद नहीं हुआ, पैसे से हाईवे और स्विफ्ट डिजायर बाइक खरीदने की बात अपराधियों द्वारा स्वीकार किया गया। कैमूर मोहनिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रघुनाथ प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष लगाए गए वृक्ष के नीचे सभी कर्मियों को शपथ दिलाया। भभुआ में घरेलू विवाद में 2 परिवार में जमकर हुई मारपीट, 3 लोग घायल, इलाज के दौरान अधेड़ की हुई मौत। वार्ड नंबर 14 का मामला, बताया जाता है कि दोनों परिवार की बेटी का शादी एक ही घर में रामगढ़ के ऊपरी गांव में हुआ था। दोनों गोतनी में झगड़ा हुआ जिसके बाद एक महिला भभुआ घर आकर जिसके बाद दोनों परिवार में लोगों में जमकर मारपीट होंगे।